हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांट स्टडी। हम लोग लीनियर अरेंजमेंट कर रहे हैं अपनी इस सेक्शन में। इससे पहले मैं आपको दो टाइप्स ऑलरेडी लीनियर अरेंजमेंट की करवा चुकी हूँ। आज हम लोग डबल रो देखेंगे कि डबल रो में अगर मतलब जैसे नॉर्थ और साउथ में अगर लोग बैठे हों अलग अलग रो में, तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जिनके लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उन्हें भी जाकर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि हमारे जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हों वो आपको मिलती रहें। और अगर आपको कोई क्वेरीज भी अपनी पूछनी हो तो आप वहाँ पर जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। इनफैक्ट अगर इस लेक्चर में आपको कोई भी डिफ़िकल्टी आती है तो आप कॉमेंट करके भी मुझे नीचे बता सकते हैं। अभी तक मैं आपको साइलॉगिज्म और इनपुट आउटपुट करवा चुकी हूँ, और पजल्स में अभी मैं आपको लीनियर अरेंजमेंट करवा रही हूँ। अगर किसी को बेसिक समझ नहीं हो तो मेरे लास्ट लेक्चर्स पर जाकर देख लीजिएगा। देखिए, हम लोग अपनी जो क्लासेस हैं, एक तो हमारी क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं, और डेली बेसिस पर हमारी मैथ्स और रीजनिंग की जो वीडियोज़ हैं वो अपलोड होती हैं। मैथ्स के वीडियो हर रोज़ 2 बजे आपके लिए अपलोड हो जाती है, और रीजनिंग की हर रोज़ 6 बजे अपलोड हो जाती है। इनफैक्ट DI की भी ऑल्टरनेट डेज पे सुबह 8 बजे आपकी क्लासेस आ जाती हैं। ये मैंने आपको टाइप्स बताई थी। अभी तक आप लोग सिंगल रो में अगर नॉर्थ और साउथ में अगर कोई बैठा हो तो ये दोनों टाइप्स आप कर चुके हैं। आज हम डबल रो देखेंगे। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि स्टेप्स क्या होते हैं लॉजिकल पजल को सॉल्व करने के। सबसे पहले आप लोग पूरी पजल को देखेंगे, उसकी थीम को समझेंगे और डायरेक्ट स्टेटमेंट्स को कलेक्ट करेंगे। ठीक है, जो नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं उन्हें आप थोड़ा अलग से पॉइंट आउट कर देंगे। उसके बाद एक एक करके जो भी स्टेटमेंट्स हैं उसे आप शॉर्ट नोटेशंस में बनाएंगे, सिंप्लीफाइड फॉर्म में, ताकि आपको बार बार पजल को नहीं देखना पड़े। ठीक है, उसके बाद जितनी भी पॉसिबिलिटीज बनती होंगी पजल से वो आप सब बनाएंगे। एक एक करके पॉसिबिलिटी को कैंसिल करते जाएंगे। जैसे जैसे आप पजल में प्रोसीड करेंगे आपकी पॉसिबिलिटीज़ कैंसिल होती जाएंगी, और इन द एंड आपके पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बचेगी जिससे आपकी पजल सॉल्व होती होगी। अब देखिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिया था होमवर्क के तौर पे, तो फटाफट देख लेते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए, ए सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु इज 24 ईयर्स ओल्ड, तो मैंने बना दिया कि 24 के थर्ड राइट पे ए बैठेगा। डी एंड द वन हु इज 24 ईयर ओल्ड आर सिटिंग टुगेदर, बट हमें ये नहीं पता कि कौन राइट में बैठेगा कौन लेफ्ट में बैठेगा, इसलिए हमने दोनों पॉसिबिलिटीज बना ली। वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन एच एंड वन हुज एज इज 50 ईयर्स ओल्ड, तो मैंने वो भी बना लिया। अब हमें नहीं पता कि लेफ्ट और राइट में कौन बैठेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एच और 50 की भी पॉसिबिलिटी बना ली है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ ई एंड एच इज 5 ईयर्स ओल्ड इज 5 ईयर्स, तो अब हमें ये भी नहीं पता कि एच बड़ा है या ई, इसलिए हम मैंने दो पॉसिबिलिटीज बना ली हैं। ठीक है, द वन हु इज 10 ईयर्स ओल्डर दैन डी इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ डी, तो डी के थर्ड राइट पे कौन बैठा है जो डी से 10 साल बड़ा है। ठीक है, जी और सी जो हैं वो साथ में बैठे हैं, तो मैंने साथ में बना लिया, क्योंकि हमें नहीं पता लेफ्ट और राइट में अभी तक कौन बैठेगा, तो मैंने इन दोनों की भी पॉसिबिलिटी बना ली। उसके बाद उन्होंने बोला इन दोनों में से कोई एक जो है वो तो एंड में बैठे गई, तो मैंने वो भी लिख लिया। सी इज 9 ईयर्स ओल्डर देन बी, दैट मीन्स कि बी से 9 ईयर्स बड़ा है सी, तो बी प्लस 9 ईयर्स सी का ईयर आ जाएगा। ठीक है, ए इज सिटिंग इन द मिडल ऑफ डी एंड जी, तो डी और जी के मिडल में मैंने ए को बिठा दिया है। ए इज 12 ईयर्स यंगर दैन सी, दैट मीन्स कि ए सी से 12 साल छोटा है, तो अगेन मैंने क्या लिख दिया कि ए प्लस 12 ईयर्स, तो वो कितना बन जाएगा सी का। एच जो है वो 14 ईयर्स नहीं है। ये हमारी स्टेटमेंट्स थी, मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में बना लिया। अब हम सॉल्व करेंगे इसको। देखिए, हमारे पास 8 पर्सन से एजेस थी, तो अकॉर्डिंगली हम इसे सॉल्व कर लेंगे। अब सबसे पहले अगर हमारा कुछ भी डीकोड होता होगा तो हम पहले वो करने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम एजेस को देखते हैं, तो देखिए, सबसे पहले तो हमें ये पता चल रहा है, अगर हम इस स्टेटमेंट को देखें तो ई माइनस एच,
या एच माइनस ई के बीच में 5 साल का डिफरेंस है। तो अब अगर हम इन एजेस को देखें तो सिर्फ 14 और 19 ये ग्रुप में फॉल करते हैं, जिनके दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो 5 ईयर्स है। बट हमें एक और स्टेटमेंट दी हुई है कि एच जो है वो 14 ईयर्स का नहीं है, दैट मीन्स कि एच जो है वो 19 ईयर्स का होगा। देखिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ, एच जो है वो 19 ईयर्स का होगा और ई जो है वो कितने 14 ईयर्स का हो जाएगा ना। ठीक है, ये हो गया, हमारे दो जो एजेस हैं वो निकल गई हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि देखिए, अब ये वाली स्टेटमेंट और ये वाली स्टेटमेंट को देखिए, बी प्लस 9 इज इक्वल टू सी एंड ए प्लस 12 इज इक्वल टू सी। दैट मीन्स कि ए और बी जो हैं वो दोनों ही छोटे हैं किससे, सी से। ठीक है, तो दोनों ही छोटे हैं सी से, तो अब सी की वैल्यू दैट मीन्स बड़ी होगी। अब हमें फिगर आउट करना पड़ेगा कि ये एजेस किस तरह से इनकी हम फिट कर सकते हैं कि सी भी सैटिस्फाई हो जाए और ए और बी भी सैटिस्फाई हो जाए। तो देखिए, अब हमारा ए अगर हम देखते हैं तो ए ना तो 50 हो सकता है, ना 40 हो सकता है, ना 30 हो सकता है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि अगर इन तीनों में से कोई भी वैल्यू होगी उसमें 12 प्लस होगा तो हमारे पास वो एज है ही नहीं। जैसे मैं मान लूँ, अगर मैं ए को 40 ले लेती हूँ तो 40 प्लस 12 क्या हो जाएगा, 52। तो 52 तो हमारी यहाँ पे एजेस में से दिया ही नहीं हुआ है, दैट मीन्स कि हम वो नहीं पिक कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं अगर 30 लेती हूँ तो 30 प्लस 12 क्या होगा, 42। बट 42 एज हमारी है ही नहीं। ठीक है, तो ए को अब मैं क्या 24 लेकर देखती हूँ, 24 प्लस 12 तो क्या हो जाएगा, 36। 36 एज भी हमारी नहीं है। 21 लेकर देखती हूँ, 21 प्लस 12 तो 21 प्लस 12 जब करेंगे, 21 प्लस 12 अगर हम करेंगे तो हमारा बनेगा 33, और हमारे पास 33 है। तो हम अभी के लिए ये पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं कि अगर हम ए को 21 ले रहे हैं तो सी हमारा आ गया 33। ठीक है, और फिर हमारा बी क्या आ जाएगा, अगर सी हमारा 33 है, अगर सी हमारा 33 है तो हमारा बी क्या आ जाएगा, फिर बी हमारा आ जाएगा, बी हमारा क्या आ जाएगा, 24, है ना। क्योंकि इस स्टेटमेंट को देखिए तो बी हमारा 24 आ जाएगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 24। ठीक है, आई होप आपको ये सब समझ आ गया हो। अब हम अपनी पजल बनाना शुरू करते हैं, देखते हैं कि कहाँ से बना सकते हैं, हम अपनी पजल को स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। आई होप आपने वो लिख ली होंगी एजिस। ठीक है, ई की 14, एच की 19, ए की 21 हमने निकाल ली थी, सी की 33 निकाली थी एंड बी की 24 निकाली थी, राइट। तो अब फटाफट से हम अपनी पजल बना लेते हैं, क्योंकि अब सब लोग इसमें बैठे हुए हैं, नॉर्थ में बैठे हुए हैं, तो हमारा जो लेफ्ट है वो ये बन जाएगा, राइट हमारा ये बन जाएगा। अब हम अपनी पॉसिबिलिटीज़ को देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं कुछ बना सकती हूँ तो मैं ये बना सकती हूँ। देखिए मैं यहाँ पे अगर 24 को लिख दूँ, मेरा यहाँ पे आ गया 24, और हमारा 24 क्या था, बी, तो मैंने बी भी लिख दिया साथ में। ठीक है, बी भी लिख दिया साथ में, तो बी 24 के थर्ड राइट पे ए बैठा हुआ है, तो 1 2 3 ये हमने ए को बिठा दिया और ए क्या था, 21। ठीक है, वैसे ही एक और पॉसिबिलिटी हम बना लेंगे, अभी बताती हूँ कि क्यों। ठीक है, तो अब 24 के बिल्कुल इमीडिएट डी बैठा हुआ है, तो हमने यहाँ पर डी को बिठा दिया। ठीक है, या तो डी यहाँ बैठ सकता है, अब अगर या तो डी यहाँ बैठ सकता है, बी अगर यहाँ पे 24 है, ठीक है, तो और ये आ गया 1 2 3, ये आ गया ए 21। ठीक है, और डी को मैंने बिठा दिया यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए, एक स्टेटमेंट दी हुई है कि डी और
जी के एग्जैक्ट बीच में ए बैठा हुआ है और हमारे पास 8 पीपल हैं, तो अगर हम ऊपर वाली पॉसिबिलिटी को देखते हैं तो क्या आएगा, 1 2, तो यहाँ पर हमारा जी बैठ जाना चाहिए और जी के इमीडिएट सी बैठा हुआ है, ठीक है। और अगर यहाँ से देखते हैं तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 यहाँ पर आएगा जी हमारा, ठीक है। और जी आ गया और जी के बिल्कुल इमीडिएट कौन बैठा हुआ है, सी बैठा हुआ है, तो मैंने सी को बिठा दिया। अब एक बार ही काउंट कर लेते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो नीचे वाली पॉसिबिलिटी में हमारे पास 9 पर्सन्स बैठ गए हैं, तो ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको हटा ही देती हूँ फिर इसीलिए, और मैं ऊपर वाली पॉसिबिलिटी के साथ आपको अब बताती हूँ कि क्या करना है। तो मैंने यहाँ पे 21 बना दिया, यहाँ पे मैंने डी को बिठाया हुआ था और डी के छोड़ के जी था और सी था। ऊपर देख लीजिए अब कितनी आ गई, 1 2 3 4 5 6 7, तो 8 पर्सन यहाँ पे होगा क्योंकि जी या सी में से कोई एक एंड में बैठने वाला था। तो हमारा ई जो भी पर्सन अब जो लेफ्ट है वो अब लेफ्ट साइड पे ही बैठेगा, ठीक है। आप आई होप आपको समझ आ गया होगा कि पहली पॉसिबिलिटी कैसे कैंसिल आउट हो गई हमारी, ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं, उसके बाद उन्होंने कहा है कि डी के थर्ड राइट में डी से 10 साल बड़ा बैठा हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए अभी यहाँ पर हम लोग डी प्लस 10 ही लिख देते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए कि हमारे पास 10 साल के गैप वाले कौन कौन से हमारे हैं, या तो 30 है या 40 है या 50 है, इन्हीं में से कोई एक आएगा, ठीक है। बट अब ये भी देख लीजिए कि अगर हम डी को मान लो 40 लेके चलते हैं, ठीक है, मतलब मैं सपोज कर रही हूँ, अगर ये गलत होगा तो मेरे को ऑब्वियसली पता चल जाएगा। अभी मैं सपोज करके चल रही हूँ कि डी अगर 40 होता है, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, 50, जो भी डी के देखिए थर्ड राइट में डी प्लस 10 है ना, तो 1 2 3, तो यहाँ पे 50 हो जाएगा, ठीक है। और इन्होंने एक और चीज़ यहाँ पर स्टेटमेंट में दी हुई है कि 50 और एच के बीच में 1 पर्सन है, तो एच को हम यहाँ बिठा देंगे, ठीक है। तो हमारी ये चीज़ तो सेटिस्फाई अभी तक हो रही है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अब हमें आधी आधी स्टेटमेंट्स पता चल गई हैं। अगर आपको याद हो तो हमने पता किया था कि ई जो है हमारा, ई जो है वो 14 है, तो हमारे पास एक ही स्पेस बच गई थी, तो हमने ई को यहाँ बिठा दिया, ठीक है। तो उसके बाद हमारा सी भी निकला हुआ था कि सी हमारा 33 है, तो हमने 33 को यहाँ पे लिख दिया। अब हमारे पास देख लेते कि कौन सा हमारा पर्सन नहीं बैठा हुआ है, तो हमारा एफ बच गया था, तो हमने एफ को यहाँ बिठा दिया, और एजिस में से हमारा 30 बच गया था, तो 30 जी हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया हो कि ये पजल कैसे सॉल्व हुई है, ठीक है। ये मुश्किल नहीं थी, इजी थी, बस यही था कि इसमें दो क्वांटिटीज थी, एक नहीं थी। ऐसे अभी तक आपने जो भी की है उसमें सिर्फ एक ही होता था, जैसे पीपल ही होते थे, इस बार पीपल के साथ एसोसिएटेड कोई क्वांटिटी भी है, इसलिए थोड़ी सी अप लेवल थी, ठीक है। तो आप अपने पीओ के जो एग्जाम्स हैं उसमें ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इनफैक्ट क्लर्क में भी आजकल ये वाली हमारी जो पजल्स हैं वो आ जाती हैं, तो ठीक है आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट पजल पे, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ताकि आप जब भी दोबारा इस पजल को सॉल्व करने के लिए बैठें तो आपके पास इसका सल्यूशन हो। चलिए आगे चलते हैं, आज की पजल देख लेते हैं। तो देखिए हमारे पास स्टेटमेंट्स देखिए क्या हैं, 8 पीपल हैं, दो ऑपोजिट रोज में बैठे हुए हैं, इनमें से एक रो में नॉर्थ में बैठे हैं, एक रो में साउथ में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो अब देखिए, पी इज बिटवीन वी एंड वाई, मैं आगे बनाती हूँ, देखिए पी जो है वो वी और वाई के बीच में है,
और नॉर्थ में है, तो पहले मैं ये बना लेती हूँ कि नॉर्थ में कौन-कौन बैठा है। पी आ गया हमारा, वी आ गया, वाई आ गया, ठीक है। और अभी क्योंकि 4 पीपल एक रो में बैठे हैं, तो मैंने अभी तक कुछ नहीं बनाया है। पी वी वाई हमारे पता चल गया। उसके बाद देखिए, जेड इज ऑपोजिट टू यू, हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू। तो जेड जो है वो यू के ऑपोजिट में बैठा हुआ, और यू कैसे बैठा हुआ है, यू इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है क्यू के। तो दैट मीन्स कि अब अगर हम यू और क्यू को देखें, ये दोनों किसी एक रो में बैठे हैं, और हमारे पास नॉर्थ में सिर्फ एक पर्सन की जगह बची है, दैट मीन्स हमारा जो जेड है वो नॉर्थ में बैठेगा, और जो हमारे बाकी बच गए हैं जो कि हैं यू, क्यू और आर और टी, ये 4 जो हमारे हैं ये हमारे साउथ में बैठ जाएंगे, ठीक है। अब आप इसे लिख लीजिए कहीं नोटबुक पे ताकि मैं इसे हटा दूं। अब हम अपनी शॉर्ट नोटेशंस बना लेते हैं। देखिए, पी इज बिटवीन, अब हमें ये तो पता चल गया है कि ये हमारा आएगा नॉर्थ 1 2 3 4 1। अब आज आप इसकी शॉर्ट नोटेशंस खुद बनाइएगा, मैं नहीं बना के आपको बताऊंगी, क्यों, ताकि आप खुद भी इसे सॉल्व करने की कोशिश कर सकें, ठीक है। तो अब ये नॉर्थ है, तो इसका राइट यहाँ पर होगा, लेफ्ट यहाँ पर होगा। अगर ये साउथ है तो इसका लेफ्ट यहाँ पर होगा और राइट यहाँ पर होगा। देखिए, राइट यहाँ पर हो, इसको मैं यहाँ बिठा देती हूँ, राइट यहाँ पर होगा, ठीक है, और ये लेफ्ट है। ये देखिए, ये लेफ्ट होगा और ये इसका राइट होगा, ठीक है। अब हम अपनी पजल स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, P इज बिटवीन V एंड Y एंड आर फेसिंग नॉर्थ। अभी हम इसको नहीं बनाएंगे। Z इज ऑपोजिट टू U, हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Q, रुक जाते हैं। R इज बिटवीन T एंड Q, ठीक है। Z इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ, इमीडिएट राइट ऑफ Y, ठीक है। Y के इमीडिएट राइट में Z बैठा हुआ है। तो अगर हम Y को यहाँ बना दें तो Z यहाँ आ जाएगा, P यहाँ आ जाएगा, और आई एम सॉरी, P नहीं आएगा यहाँ पे, V यहाँ आ जाएगा और P यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये इस, देखिए मैंने सिर्फ इस स्टेटमेंट को और जो ये स्टेटमेंट है इसको मैंने कंबाइन किया है, तो मैंने अभी एक पॉसिबिलिटी ये बनाई है, ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंग Z के ऑपोजिट कौन बैठा है, U, तो मैंने U को बिठा दिया। हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में बैठेगा यू। आर इज बिटवीन टी एंड क्यू, आर इज बिटवीन टी एंड क्यू, तो ये आ गया टी और ये आ गया आर, ठीक है। तो ये हमने बना लिया। एक बार ही वापस चेक कर लेते हैं। पी इज बिटवीन वी एंड वाई, ठीक है, एंड आर फेसिंग नॉर्थ। जेड इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ वाई, इमीडिएट राइट ऑफ वाई पे जेड बैठा है, ठीक है। जेड के ऑपोजिट में यू बैठा है, ओके। हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू के यू बैठा हुआ है, तो ठीक है। आर इज बिटवीन टी एंड जी, टी एंड क्यू, टी और क्यू के बीच में आर है, तो वो भी हमने बना लिया। ये हमारी बन गई पजल का सोल्यूशन, राइट। तो देख लेते हैं अब इसके रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पर्सन्स, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पर्सन्स हैज सेकंड पर्सन इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ फर्स्ट पर्सन। इसके कहने का मतलब क्या है कि जैसे अगर वी और पी है फर्स्ट ऑप्शन, तो जो पी है वो इमीडिएट लेफ्ट में बैठना चाहिए वी के, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है।
अब बना लेते हैं इसका आंसर। अब देखिए, अब वी और पी में से अगर हम देखते हैं, ये पी है, पी के इमीडिएट लेफ्ट में वी बैठा है, तो मुझे तो लगता है कि पहला ही हमारा जो है वो करेक्ट हो गया है, ये हमारा करेक्ट हो गया। फिर भी हम एक बारी बाकी ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। पी के इमीडिएट लेफ्ट में वाई बैठा है, नहीं। क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में यू बैठा है, सिटिंग इन इमीडिएट लेफ्ट का फर्स्ट पर्सन। ओके सॉरी, मैंने गलत पढ़ लिया क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट पर्सन के इमीडिएट लेफ्ट में सेकंड पर्सन को बैठना है, तो अगर वी और पी है तो वी के इमीडिएट लेफ्ट में पी को बैठना है, ये है क्वेश्चन। ठीक है, तो ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा फर्स्ट ऑप्शन गलत होता है, सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है, क्योंकि वाई के इमीडिएट लेफ्ट में पी बैठा हुआ है, क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में यू, यू के इमीडिएट लेफ्ट में क्यू नहीं बैठा है, आर के इमीडिएट लेफ्ट में टी नहीं बैठा है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो गया। और इस तरह से हमारा ये वाला जो पज़ल है ये भी सॉल्व हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा। ये आज मैं आपको होमवर्क के लिए पज़ल दे रही हूँ, आई होप आप करेंगे इसे। ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा आज हमने एजेस वाला क्वेश्चन किया, कुछ डिफरेंस नहीं है, बस इसमें प्रोफेशंस बता दिए हैं, उसमें एजेस था। तो आई होप आप इसको करके सॉल्व करेंगे, और आप मुझे जो टेलीग्राम पे है आप अपने सॉल्यूशंस भेज देंगे। थैंक यू सो मच।